लफ्जों से खुशबू आने लगती है। للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے भैया लो आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए सब बैठ जाइए बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ छोड़ दीजिए वो बैठ जाएंगे सब बैठ जाएंगे एक आदमी खा नजर नहीं आएगा आपको मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम बिलखुसूस सरपरस्ते जलसा दिल्ली के मुसलमानों के दिलों की धड़कन महत्ते ग्रामीय वकार हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जावेद साहबुल्ला नक्शबंदी दामद बरकात उमल कुछिया जिनकी सरपरस्ती में आज का ये इजलास अपनी मुकम्मल कामयाबी के साथ रवा दवा है। बेशक खुशी इस बात की है कि सरपरस्त भी सैयद नाजिम भी सैयद और जब ऐसे लोगों की सरपरस्ती हो तो जाहिर सी बात है वो जलसे कामयाब होना ही होना। बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है स्टेज पर हजरत अल्लामा साबिर कादरी साहब कुल्ला भी तशरीफ फरमा है। इनके आज 14 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होने वाला है इसी महीने की जून को आप सब तशरीफ। अब अगर आप हजरात परमिशन दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। अगर सुनने के मूड में अगर आप हैं तो कितने लोग सुनने के मूड में जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। अगर सारे लोग हैं तो जो महफिल का अदब होता है वो होना चाहिए कि नहीं? जल्दी से बोलो, होना चाहिए ना? नबी की महफिल में अदब होना चाहिए कि नहीं? जब नबी की महफिल में अदब होना चाहिए तो ये बीच में जो जगह खाली है यहाँ कौन आने वाला है? कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं उन्हें शायद दुनियावी कुर्सी से मोहब्बत है इसलिए उठने का नाम नहीं ले रहे। अगर आए कल कुर्सी ठोकर मार दी भाई, देखिए ठोकर मार दी। ये नबी के दीवाने हैं सुभान अल्लाह। चंद लोग बैठे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। अभी शोरा हजरात नाते पाक पढ़ रहे थे तो आज कैसर खालिद साहब ने एक नई कैद लगा दी है कि एक जगह सीतामढ़ी का शायर आया तो सीतामढ़ी के लोग रुपया ले लेकर के दो। सीतामढ़ी के लोग हैं यहाँ है ना? और यहाँ बदायूं शरीफ के शायर साहब आए तो बदायूं शरीफ के लोग एटीएम पूरा मुकम्मल एटीएम लेके खड़े हो गए। होना चाहिए बड़ी। लेकिन इधर से मैंने देखा किसी साथ बोला सुभान अल्लाह तैयार है, तबीयत खुश हो गई। ये नबी का सबका लुटाया जा रहा था सुभान अल्लाह। मोहतरम ये आजकल जो दिल्ली में बेदारी देखने को मिल रही है ना, बड़ा दिल खुश हो रहा। और ये तनहा आपका नहीं, अजमेर में गरीब नवाज भी खुश हो रहे हैं और यहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी भी खुश हो रहे हैं। दिल्ली में जो आज जलसों का माहौल है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, दो चार काम की बात करूंगा, अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। मैं जी चाहता है कि आप एक मरतबा पूरा माहौल बना लीजिए, यह लगना चाहिए कि आप ईदे मिलादुन नबी के जलसे में बैठे हैं, मेराजुन नबी के जलसे में बैठे हैं, गरीब नवाज के जलसे में बैठे हैं। लगना चाहिए ना? तो झूम के दुरूद शरीफ सुनाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और माइक ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी ताकत आपकी मशीन में है फुल खोल दीजिए, इसलिए कि साउंड आपने एक तरफ लगा दिए हैं, दोनों तरफ होना चाहिए था ताकि आवाज टकरा के सब तक पहुंच जाए। जब आदमी बोलता है तो उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती है, पहुंचना चाहिए, बोलने वालों को अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए।
ठीक है ना, बढ़ा दीजिए अगर कुछ है उसमें ताकत, तो नहीं है तो बस छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तवज्जो है आपकी, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, और उम्र इनकी कट चुकी है, उम्र सारी कट चुकी है इनकी पत्थर तोड़ से, उम्र सारी कट चुकी है इनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। नारे तख्ते, नारे रिसाला, पूरे तरीके से ये जावेद ना साहब किबला, मेराजुन नबी को अंतरण, फैजाने गरीब नवाज। एक मसला और दो तीन शेर नाते पास के मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। मसला उलमाए किराम की नजर करता हूँ, तूला मिश्रा जब आएगा तो इंशाल्लाह बदायूं शरीफ की टोली जो है वो अलग है, लेकिन इधर वाले लोग भी इंशाल्लाह बेचैन हो जाएंगे। मुकद्दर पर बहुत इकरार रहे हो, इकरार रहे हो, मुकद्दर पर बहुत इकरार रहे हो, ये लगता है मदीने जा रहे हो, ये लगता है मदीने जा रहे हो, ये लगता है मदीने जा रहे हो। बहुत अच्छा वाचा आज वाकई तुम लोगों ने जो माइक के बारे में कहा इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं। सबकी नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए मेरे गरीब नवाज के चौखट, मेरे वसे आजम का रोजा, नदी पास का चौखट, वो बिन मांगे अता करते हैं सबको, पास बहुत तवील है, आखिरी शेर अर्ज करता हूँ, तमाम उलमा की नजर करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। नमाज़े इश्क पढ़नी है तुम्हें क्या, नमाज़े इश्क पढ़नी है तुम्हें क्या, अशिकों से वजू फरमा रहे हो, जो अशिकों से वजू फरमा रहे हो, ये लगता है मदीने जा रहे हो। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना।
हमारी घड़ी में एक बजने में 10 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह 1 बजे में अपनी जगह पर बैठ जाए, इसलिए बहुत तवील फहरिस्त है और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा देर आपके और उनके दरमियान रहे। बस अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि तमाम बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, कहाँ पे कौन मरेगा हुजूर जानते हैं, और कहाँ से आया खुशी से कहाँ से मजबूरन, कहाँ से आया खुशी से कहाँ से मजबूरन। गुरुदेव पाक मेराज पर बहुत सारी गुफ्तगू हो गई है, गरीब नवाज पर भी बहुत सारी गुफ्तगू हो गई है, ये गुफ्तगू तो पूरी जिंदगी होती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। संतास से हमारी इस बात को लेता है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, वजीर आजम कोई हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान का महाराजा मेरा राजा है। किसी के साथ की बात मत मानो, उस अंग्रेज को लो जिसका नाम लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन साढ़े से 7 फीट का जमान कितने का, 7.5 फीट का इंसान। हिंदुस्तान का पहले कानून था कि जो भी विदेश से हिंदुस्तान आता था, भारत आता था, वो सबसे पहले अजमेर हाजिरी देने जाता था। इससे भी कहा गया तुझे अजमेर जाना पड़ेगा, कहा जाके वहाँ करना क्या है, कहा कुछ नहीं है, वही महाराजा है, वही राजा है, उनके दरबार में हाजिरी लगा दो, तुम्हारा भारत आना सफल हो जाएगा। अजमेर चला गया, अजमेर पहुँचा, वहाँ जाने के बाद कहा अब अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ माथा टेकना पड़ेगा। अंदर जाने लगा, आप जो लोग अजमेर गए होंगे उन्होंने देखा होगा जो कदम पास की तरफ से दरवाजा है वो थोड़ा छोटा है, और जो इस तरफ बीच वाले रास्ते का दरवाजा है वो थोड़ा बड़ा है ना। लाखों कदम पीछे के दरवाजे से गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ भारत की तारीख बोल रही है, पीछे से गया, और जैसे ही दरगाह के अंदर जाने लगा तो चूंकि 7.5 फुट का वो खुद था और 6 इंच का उसका कैप था जो सर पे लगा, वो जैसे ही अंदर जाने लगा चौखट से कैप टकराया, गरीब नवाज पे गिर गए, गरीब नवाज के कदमों पे गिर पड़ा, वो जब कैप उठाने के लिए झुका और उठने के बाद खड़ा हुआ तो कहता है मैंने पूरी दुनिया देखी है, सारे लोग कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है कि एक इंसान कदम में लेता है वो हमारे दिलों पर हुकूमत। ये शान है मेरे गरीब नवाज की। अकबर को जानते हो, अकबर को जानते हो ना, अरे नाम सुना है ना, अरे जैसे लोग दिल्ली का ही रहते थे, और पहचान बता दूं जिसकी बहू का नाम क्या था, बहू का नाम जो था भाई था किसी और के सामने कहीं अनारकली, किसने आवाज दी अनारकली बोलिए, हाँ तो भैया ना क्या बात है, किसने बताया अनारकली, सुभान अल्लाह, मेरा बताओ गौसे आजम के वाले साहब का क्या नाम सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमें अनारकली का नाम याद है, हमें नचिनियों का नाम याद है, गवैयों का नाम याद है, गरीब नवाज के वालिद का नाम याद नहीं है। आज दुनिया जो हम पर उंगली उठाती है वो गलत नहीं करती, बोलो सही है, हमें अपने बुजुर्गों की तारीफ याद रखना चाहिए, उनके नाम याद रखना। बहरहाल अकबर ने अपने बेटे सलीम से कहा बेटा जा अजमेर से लाया, सुभान अल्लाह, कहाँ भेज रहा, बुलंदाबाद से बोलो कहाँ, कहाँ भेज रहा बेटा अजमेर चला जा, एक मिन्नत मानी थी पूरी हो गई है, जाके हाजिरी दे के चला। जब वो जाने लगा तो अकबर ने अपने बेटे से कहा बेटा जब यहाँ से लेके अजमेर तक जाए तो सीना तान के जाना, ताकि दुनिया देख ले बादशाह का बेटा जा रहा, ताकि दुनिया देख ले कि बादशाह का बेटा जा रहा है,
यही है ना, हम लोगों को भी जाना चाहिए अजमेर हाजिरी देने के लिए, लेकिन वहाँ जाके घूमा फिरी नहीं करना चाहिए, जाके गरीब नवाज की बारगाह में तोहफा पेश करना चाहिए। क्या तोहफा? पुराने पाक जो पढ़ा है आपने उसका तोहफा, ठीक है ना। ये जब चीजें वहाँ लेकर के जाओगे तो गरीब नवाज की बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि जो आया सब लेकर के, कोई खाली नहीं गया। अरे अगर खाली लोग आते तो ये लाखों का मजमा हर साल आ जाता। बोलो, हमने कभी अपने शेर में कहा था कि फख्र का ताज मेरे सर पे सजा रखा है, फख्र का ताज मेरे सर पे सजा रखा है, मेरे साजा ने मुझे अपना बना रखा है, और मशवरा मुझको शिफा का बच्चों अजमेर न दो, मशवरा मुझको शिफा का बच्चों अजमेर न दो। मैंने दुनिया के हकीमों को देखा